आज नेक्स्ट साइंटिफिक डिवाइस हमने स्टडी करनी है वो है टेलीफोन। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके ज़रिए दो यूज़र्स आपस में कन्वर्सेशन करते हैं व्हेन दे आर फिजिकली अवे फ्रॉम ईच अदर। टेलीफोन दरियाफ्त होने से पहले जो पैगाम रसानी का ज़रिया था, मतलब ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई बंदा हमारे सामने बराह रास्त मौजूद नहीं है फिज़िकली, तो पैगाम रसानी की जाती थी खतो खताबत के ज़रिए और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन टेलीफोन के आने से आप ये समझ लें कि एक तरह का हमारी ज़िंदगी में जो इनकलाब बरपा हुआ, उसको हम जितना भी उसके लिए साइंस के मशकूर हों वो कम है। प्रिंसिपल ऑफ टेलीफोन की बात करें तो साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस। जब कोई बंदा टेलीफोन सेट, जो ट्रेडिशनल टेलीफोन सेट थे या जो आजकल मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन सेट्स तो अब कम यूज़ होते हैं, अब तो मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ गए हैं, और जो ट्रेडिशनल टेलीफोन सेट्स थे वो ज़्यादातर अब ऑफिसेस में या बैंक्स में यूज़ होते हैं। तो उसमें जो माइक्रोफोन होता है यानी कि जिसमें हम बोलते हैं, तो हमारी जो साउंड वेव्स जब उसमें एंटर होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में एंटर कन्वर्ट हो जाती है, विच कैन ट्रैवल अलॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो बहुत ज़्यादा फासले तक ट्रैवल कर सकते हैं विद ग्रेट स्पीड। साउंड वेव से ज़्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। दीज इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस आर देन कन्वर्टेड बैक इनटू साउंड वेव्स एट द रिसीविंग एंड। और जब रिसीविंग एंड पे ये पहुंचती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वाइब्रेशंस जब ये पहुंचती हैं, तो ये दोबारा साउंड वेव में तब्दील हो जाती हैं, और सेम हूबहू जो अल्फाज हमने बोले होते हैं माउथ पीस के अंदर या माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर के अंदर, वो सेम वही वर्ड्स रिसीविंग एंड पे सुनाई देते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं टेलीफोन के? माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर भी कहते हैं इसे, माउथ पीस भी कहते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन में भी जब आप कॉल सुनते हैं तो जिस जगह पर आप बोलते हैं उसको माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर या माउथ पीस कहा जाता है। फिर एयरफोन यानी कि रिसीवर, जहाँ पे आप कान लगाते हैं, जहाँ से आपको आवाज़ आती है कानों में, विच प्रोड्यूस साउंड इन अ डिस्टेंट लोकेशन। इसके अलावा चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे टेलीफोन हो, उसमें डायल या कीबोर्ड ज़रूर होगा ताकि टेलीफोन नंबर एंटर किया जा सके। टेलीफोन्स डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं। क्यों डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं? बिकॉज दे परमिट ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। अगर हम वर्किंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी वर्किंग मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी इसको ब्रीफली देख लेते हैं। होता क्या है कि स्पीकर टॉक्स इनटू माउथ पीस, वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू साउंड एंटर जनरेट वाइब्रेशंस इन थिन एल्यूमिनियम डायफ्राम। जब कोई स्पीकर बोलता है माउथ पीस के अंदर, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आवाज़ एंटर होती है एल्यूमिनियम डायफ्राम के अंदर। दीज वाइब्रेशंस आर देन अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू साउंड वेव्स एट द रिसीविंग एंड। वही बात हो गई कि वही जो साउंड वो जो वाइब्रेशंस थी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी साउंड वेव्स, वो दोबारा साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एट द रिसीविंग एंड। नाउ डेज मोबाइल फोन्स हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल फोन सेट्स।